अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ये असिस्टेंट लीगल ऑफिसर BPA 16 की जॉब है। लॉ ग्रेजुएट और इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी एक ही सीट है, वो है पंजाब ओपन मेरिट की। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, BPA 16 की ये जॉब है और इसकी जो है वो 8 सीट्स हैं। इसमें BA और BSc सेकेंड क्लास विद मैथ स्टेट फिजिक्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस जो है वो डिग्री होनी चाहिए और इसमें स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 50 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग जो है वो स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंटरनेट ईमेल ETC प्लस प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यूजेज जो है ये भी होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन देन दोज प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, जिसको ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पोस्टें आई हुई हैं वो हैं ऑफिस असिस्टेंट IT की। BPA 15 की जॉब है और इसमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बेचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी आपके पास कोई भी बेचलर डिग्री हो जिसमें आपने कंप्यूटर ज़रूर पढ़ा हो और उस सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर का, उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो 60% से ऊपर होने चाहिए। 100 में से मिसाल के तौर पे आपकी 60+ होने चाहिए। इसमें मुख्तलिफ सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। पंजाब की जो है वो 52 हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। बाकी जो प्रोविंसेज हैं उनकी भी यहाँ पे दी हुई हैं मुख्तलिफ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसके बाद हम चलते हैं, एज लिमिट देखें यहाँ पे 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स है। यानी कम से कम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स होनी चाहिए। मगर इसमें एज रिलैक्सेशन जो होती है, जनरल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की, वो इंक्लूडेड है यहाँ इसमें। यानी इसकी वैसे एजुकेशन जो इसकी जो एज थी वो 18 से 25 ईयर्स थी और प्लस जनरल रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स, तो मिला के 30 ईयर्स दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम आते हैं असिस्टेंट एडमिन BPA 15 की, ये जो है वो जॉब है। एज लिमिट सेम है, कम सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं इसमें। ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स कंप्यूटर, तकरीबन सारी डिग्रीज यहाँ पर आ जाती हैं। 50% या फिर सी ग्रेड होने चाहिए आपके पास और उसके बाद 6 वीक्स जो है वो बेसिक IT ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए या फिर इंटरमीडिएट हो आपकी विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिन क्लरिकल जॉब विद 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे, सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं वो आई हुई हैं अकाउंट असिस्टेंट की। BCom विद ऑडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग और BCom ऑनर्स आर BBA ऑनर्स आर BBA फाइनेंस आर BS BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, BBA डिग्री हो या BCom हो तो दोनों आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। 6 वीक्स जो है वो यहाँ पे वही वाली 6 वीक्स जो है वो बेसिक IT ट्रेनिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। सेम एज लिमिट है और 53 जो है इसकी सीट्स हैं। अप्लाई करने का तरीक़ेकार जो है वो NTS के थ्रू ये जॉब्स आई हुई हैं, उसका सारा तरीक़ेकार यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फीस है, 1 से 2 जो नंबर है वहाँ पे 650 रुपीज़ फीस है और नीचे जो है 3 से 5 तक जो है उसमें 575 रुपये यानी 575 रुपीज़ जो है वो फीस है। और नीचे जो है वो कुछ एज रिलैक्सेशंस और भी जो है वो गिवन है, जिसमें ये जो है अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 3 ईयर्स फॉर ऑल द पोस्ट द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकग्नाइज टाइप्स ऑफ ट्राइबल एरियाज एक्सपाटा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और सीरियल नंबर 3, 4, 5 पे जो जॉब्स हैं उसमें 3 ईयर्स जो है वो सिंध रूरल और बल्तिस्तान से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो है वो एज रिलैक्सेशन है। और बाकी NTDC के जो एम्प्लाईज हैं उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी हुई है। इंशाल्लाह इसके क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इसके क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके साथ जो है वो इसका सिलेबस जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा।
तो इंशाल्लाह टच में रहें आप, और चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू सो मच।